हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। जिनको हेपेटाइटिस सी है वो अपने अकॉर्डिंग जिनको बेस्ट प्लेस लगता है वहाँ से वो ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे में दो तरीके के लोग हैं, एक तो वो जो इसका खर्चा आराम से उठा सकते हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट अपनी मनपसंद जगह से लेते हैं, और एक ऐसे लोग भी हैं जो लोग इसका खर्चा नहीं उठा सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है जो इतनी महंगी दवाओं को खरीद पाए। तो ऐसे लोग जो इसका खर्चा नहीं उठा सकते तो वो लोग नियरेस्ट डिवीजनल हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी आप अपने नज़दीकी मंडल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर अब इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और मोस्ट प्रोबेबली जो भी आपका नियरेस्ट मंडल का जिला अस्पताल है आप वहाँ पर संपर्क करें। अगर आप नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में संपर्क करेंगे तो वहाँ से भी आपको इसकी जानकारी मिल सकती है। अगर आपका ब्लड टेस्ट वहाँ पर होता है और आपका पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस सी है तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका नियरेस्ट जो मंडल का अस्पताल है अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ से आपको इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट 3 महीने का है, शायद आप भी जानते होंगे जो लोग इसकी दवा ले रहे होंगे, तो ये 3 महीने का ट्रीटमेंट है जिसकी दवा आपको वहाँ से एक एक मंथ के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी जिला अस्पताल में जाकर इसकी जांच कराकर उसकी रिपोर्ट के आधार पर वहाँ से पता कर सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कौन से डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, यानी नियरेस्ट कौन सा जिला है जहाँ पर अवेलेबल है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको नियरेस्ट जो आपका मंडल का जिला होगा आपको वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर संपर्क करके दी जा रही सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।